प्रतिलेखन संख्या 43 स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है, और उनका झुकाव ना होने के कारण उन्होंने उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए ना मालूम कितने रुपए रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती के को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया है कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है, यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी।